ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पंडित धर्मेंद्र शास्त्री। आज आपको बताने जा रहे हैं दैनिक राशिफल। यह राशिफल है 6 जुलाई 2019 शनिवार का दिन है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। मघा नामक नक्षत्र एवं सिंह राशि में चंद्रमा विद्यमान रहेंगे। दिशाशूल की अगर हम बात करें तो पूर्व दिशा में रहेंगे, इसलिए पूर्व दिशा की यात्रा करना नुकसानदायी माना जाएगा। यदि किसी कारणवश पूर्व दिशा की यात्रा करना बहुत ज्यादा आवश्यक हो तो अदरक खा करके यात्रा कर सकते हैं। राहु काल जो कि सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक रहेगा, इस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ मांगलिक या नया कार्य आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि राहु काल में सभी शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। ग्रह गोचर की यदि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्यदेव मिथुन राशि में, चंद्रमा सिंह राशि में, मंगल ग्रह कर्क राशि में, बुध ग्रह भी कर्क राशि में, गुरुदेव बृहस्पति वृश्चिक राशि में, शुक्र मिथुन राशि में, शनि धनु राशि में, राहु मिथुन एवं केतु धनु राशि में रहेंगे। इस ग्रह गोचर के अनुसार मेष, कर्क, कन्या, वृश्चिक व मीन, ये 5 राशि वाले रहेंगे भाग्यवान। इन 5 राशि वालों को होगा सबसे ज्यादा लाभ। ये 5 राशि वाले विशेष रूप से भाग्यशाली साबित होंगे। किस्मत का साथ मिलेगा, रुका हुआ पैसा मिलेगा, मान सम्मान, यश प्रतिष्ठा भी इनको प्राप्त हो सकती है, या फिर स्थायी संपत्ति से भी इनको लाभ मिलने का उत्तम योग है। अब हम आपको मेष से लेकर के मीन सभी 12 राशि वालों का दैनिक राशिफल बताने जा रहे हैं। हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। बिजनेस और पैसों के मामलों में किस्मत का साथ आपको मिलेगा। नौकरी में यदि है तो आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। कैरियर में अच्छे खासे बदलाव होने की संभावना है। आपको जो भी अनुभव मिला है आज उसका सही उपयोग आप कर पाएंगे और नज़दीकी लोगों के साथ महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा होगी। आप सारे मामले स्वयं ही सुलझा लेंगे। पैसों से संबंधित कोई मामला आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। और उपाय के रूप में यदि आप पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ी सी शक्कर चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। आज आपको अपनी सेहत को लेकर के थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। फालतू खर्चा भी आपका हो सकता है या फिर आपका किसी से विवाद भी हो सकता है। मेहनत और पैसा आपका खर्चा होगा। सेहत के मामलों में सावधान आपको रहना चाहिए और अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए आपको अवसर मिलेगा, लेकिन आपको अति जो है नुकसानदायी होगी। यानी किसी भी काम में आप जरूरत से ज़्यादा अति करेंगे तो आपको नुकसान भी हो सकता है। पार्टनर से सहयोग और सरप्राइज भी आपको मिल सकता है। और सेहत के मामलों में थोड़े सावधान रहे, क्योंकि पुराने रोग आपको परेशान कर सकते हैं। दिमाग में नए नए विचार आएंगे, नए तरीके आपके दिमाग में उत्पन्न होंगे। कला साहित्य के क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी। और उपाय के रूप में दही का दान किसी भी गरीब व्यक्ति को करना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। कोई अच्छा खासा मौका आपको मिलने वाला है। साथ ही यदि आपको कोई अवसर ऐसा मिलता है जो बहुत दिनों से आप प्रतीक्षारत थे या फिर बहुत दिनों से जिसका इंतजार आपको था, वह यदि आपको मिलता है तो तुरंत उसको जो है आप भुनाने का प्रयास करें। किसी से बहस न करें, फालतू दौड़भाग आपको करनी पड़ेगी। और ध्यान रहे कि किसी से संबंधों में बदलाव की इच्छा रहेगी। नए प्रेम संबंधों को स्थगित कर पुराने संबंधों पर फिर से आप ध्यान देना चाहेंगे। हिसाब किताब का ध्यान रखें। तनाव थोड़ा बढ़ सकता है और इंटरव्यू के लिहाज से दिन ठीक ठाक रहेगा। और किसी चीज को रख करके आप भूल भी सकते हैं, इसलिए सावधानी आपको बरतना चाहिए। उपाय के रूप में यदि आप किसी भी मंदिर में जाकर के शुद्ध घी का एक दीपक जलाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। आज आप भाग्यशाली रहेंगे। नौकरी धंधे में कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। साथ ही आज आपको अधिक फायदा होगा, सेविंग बढ़ेगी, नए निवेश का विचार भी आपके मन में उत्पन्न होगा। जरूरी काम आप निपटा लेंगे। जरूरत से ज़्यादा भावुक भी हो सकते हैं। सोचे हुए कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। आसपास का वातावरण सुखद रहेगा। आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा। कहीं पर घूमने फिरने आप जा सकते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी बढ़ने वाली है और आपका आकर्षण लोगों की
बीच में बढ़ा हुआ रहेगा। कुछ लोगों के द्वारा आपको विशेष जो है सहानुभूति और मान सम्मान प्राप्त हो सकता है। कुछ अधूरे काम भी आपके पूरे हो सकते हैं। नौकरी का माहौल थोड़ा अटपटा होगा जो आपको रास नहीं आएगा। किसी अनजाने डर के कारण कोई खास फैसला करने में आपको परेशानी हो सकती है। आपकी वजह से आसपास के लोग भी परेशान हो सकते हैं। साथ ही आपको पार्टनर से कोई बात मनवाना आसान रहेगा। और बिजनेस से यदि आप जुड़े हैं तो वहां पर कोई फायदा आपको हो सकता है। और उपाय के रूप में यदि आप चावल का दान किसी भी गरीब व्यक्ति को करते हैं तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। कामकाज अधिक रहेगा, परिणाम भी आपको प्राप्त हो जाएंगे। नौकरी पेशा लोगों को नया काम, नई जिम्मेदारी मिल सकती है। अतिरिक्त आमदनी के अवसर आपको मिलेंगे। पुराने निवेश से फायदा होगा। नियम कानून और अपनी जिम्मेदारी के प्रति आप समर्पित रहेंगे। आपका मन बहुत साफ रहेगा। सही योजना बनाएंगे, सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा। आप अपने पुराने और अच्छे दोस्तों से संपर्क करने का प्रयास भी करेंगे और दूसरों की मदद करने का कोई भी मौका आप नहीं चुकेंगे। नया काम आपका शुरू हो सकता है, नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। कुछ काम योजनाओं को जो है आप अपने अनुसार नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको थोड़ी सी कठोर भाषा का प्रयोग करने की इच्छा होगी, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। खुद के ऊपर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। खर्च ज्यादा होगा और किसी अविवाहित व्यक्ति के साथ जो है आपको कोई ऐसा संबंध बनेगा जिसका आपको बहुत दिनों से इंतजार था। छोटी मोटी बीमारी आपको परेशान कर सकती है। और उपाय के रूप में यदि आप अपने घर के मंदिर में पीले रंग की मिठाई चढ़ाते हैं तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। आपका पूरा ध्यान पैसों पर रहेगा। आसपास के लोगों को प्रभावित करने में आप सफल रहेंगे। पुरानी समस्याओं का कोई नया समाधान आपको मिल सकता है। अचानक पैतृक या स्थायी संपत्ति से जुड़े मामले आपके सामने आ सकते हैं। रहस्यमय और गुप्त विद्याओं को जानने की उत्सुकता रहेगी। धार्मिक कार्यों में मन लगेगा। संतान से सहयोग प्राप्त होगा। भौतिक सुख सुविधाएं आपको मिलेगी और किस्मत का भरपूर साथ मिलेगा। इससे आपके बहुत कुछ काम जो अधूरे हुए पूरे हो जाएंगे। देनदारियां, खर्चे, आमदनी आपके पक्ष में रहेंगे। करियर की थोड़ी बहुत चिंता हो सकती है। रिस्क वाला कोई भी काम करने का प्रयास न करें। एक साथ बहुत सारे काम करने में आपको नुकसान हो सकता है। और उपाय के रूप में यदि आप हरे रंग का कोई भी फल खाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। कोई गोपनीय बात आपको पता चलने वाली है, उसे दबा कर रखना आपके लिए लाभदायी सिद्ध होगा। जीवन साथी या किसी और बेहद करीबी व्यक्ति के साथ लंबी चर्चा होगी। इससे आपका मन हल्का हो जाएगा। बिगड़े रिश्तों को सुधारने का प्रयास करेंगे, सफल भी हो जाएंगे। पुराने किसी निवेश से आपको अच्छे अवसर मिल सकते हैं। आज आप फालतू खर्चा करने की कोशिश करेंगे। पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण फैसला भी आप ले सकते हैं। व्यापार, कार्यक्षेत्र, नौकरी में कोई परिवर्तन की स्थिति बन सकती है या कोई परिवर्तन करने का मन भी आप बना सकते हैं। सोच समझ करके बोले, वरना कुछ लोग आपके दुश्मन बन सकते हैं। इससे आपको परेशानी हो सकती है। सेहत को लेकर के आपको सावधानी बरतना चाहिए। और यदि आप अपने घर से निकलते हैं और अचानक कोई व्यक्ति आपको टोका टोकी करता है तो आप बिल्कुल शांत रहे और किसी भी प्रकार का वाद विवाद बिल्कुल न करें। खर्चा थोड़ा अधिक रहेगा, इससे मानसिक तनाव और दबाव की स्थिति आपके साथ उत्पन्न हो सकती है। और उपाय के रूप में यदि आप घर से निकलते समय कोई भी मीठी वस्तु खाते हैं तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। किसी बड़े सौदे की तैयारी आपकी हो सकती है। रोजमर्रा के बहुत से काम अपनी बुद्धिमत्ता से आप जो है पूर्ण कर लेंगे। छोटे और सरल कामों की शुरुआत होगी तो ज्यादा सफलता आपको प्राप्त होगी। कुछ लोगों से आपको भरपूर समर्थन प्राप्त होगा। लोग आपकी मदद करेंगे और कोशिश करने के लिए आपको प्रेरित भी करेंगे, जैसे आपको मान सम्मान पुरस्कार भी प्राप्त होगा। अपने विचार जाहिर करने के लिए आप जो है दूसरों को सहमत करवाने का प्रयास भी करेंगे। प्रभावशाली व्यक्तियों से आपकी मुलाकात होगी और कुछ अनचाहे काम भी आपको करने पड़ सकते हैं। उपाय के रूप में यदि आप गुड़ भगवान हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाते हैं तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा।
अब हम बात करते हैं धनु राशि की। शत्रुओं पर आपकी विजय प्राप्त होने वाली है। खुले मन ईमानदारी से काम करें। अपनी मेहनत और परफॉर्मेंस से आप आगे बढ़ेंगे। आज आपके सामने रिश्ते और पार्टनरशिप के बहुत कुछ मामले खास रहेंगे। समझदारी से काम करना ही आपके लिए बहुत अधिक लाभदायी होगा। इन्हीं संबंधों के दम पर आज आप काफी अच्छे नतीजे को प्राप्त कर पाएंगे। किसी तनावपूर्ण रिश्ते को आज आप सुलझाने का प्रयास करें। कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता मिलेगी। मनोरंजन के अवसर भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। घूमने फिरने के अवसर भी मिलेंगे। पुरानी समस्याओं का समाधान नए तरीके से करने का प्रयास भी करेंगे। जरूरी कामों में जल्दबाजी बिल्कुल न करें। दबाव में थोड़ा बहुत काम करना होगा। वाहन से आपको सावधान रहना चाहिए और किसी अपोजिट जेंडर वाले व्यक्ति के साथ आपकी मुलाकात होगी और वह मुलाकात आपके लिए यादगार साबित होगी। उपाय के रूप में यदि आप किसी भी फल का जूस पीते हैं तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। भाइयों और दोस्तों से आपको सपोर्ट मिलेगा। ऑफिस और परिवार में आप कुछ बदलाव भी महसूस कर सकते हैं। अपने महत्व के विषयों पर ध्यान दें। दूसरों के लिए कुछ त्याग भी आपको करना होगा। हर स्थिति में विनम्र आपको रहना होगा। कोई इस बारे में कुछ पूछ भी सकता है। आपके कामों से सभी प्रसन्न रहेंगे और सभी कामों को शांतिपूर्वक सावधानी से आपको निपटाना चाहिए। संतान संबंधी मामलों में थोड़ी बहुत टेंशन हो सकती है। ऑफिस से यदि आप घर आते जाते हैं तो आने जाने में कुछ परेशानी या लेट लथी भी हो सकती है। सावधान रहे। वाहन चलाते समय भी आपको सावधानी रखना चाहिए। और उपाय के रूप में यदि आप शनि देव के मंदिर में सरसों का तेल दान करेंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। परिवार और संतान को समय आपको देना होगा। विषम परिस्थितियों में आप प्रभावित हो जाएंगे। साथ ही कुछ नए लोगों के माध्यम से आपका कोई पुराना काम बन सकता है। कुछ गोपनीय बातें भी आपको पता चल जाएगी। ऑफिस में दूसरों के विवादों का निपटारा भी आपको करना होगा। आपका रवैया और सोच सकारात्मक रहेगी। कुछ मेहनत का परिणाम आपके पक्ष में नहीं रहने से आपको थोड़ी सी परेशानी और तनाव की स्थिति भी उत्पन्न होगी। और आप घर से निकलते समय यदि आप पीले रंग की कोई भी मिठाई खाते हैं तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। किसी खास काम के पूरा होने की उम्मीद है। दिन सामान्य रहेगा। सबसे पहले उधारी आप चुका देंगे। पैसों का निवेश इस तरह करें कि जिससे भविष्य में आपको फायदा हो सके। घर गृहस्थी को लेकर के कोई नया जो है निर्णय आप कर सकते हैं या मकान भी बदल सकते हैं। वाहन खरीदने का आपका मूड रहेगा। परिवार के लोगों और प्रेमी जनों से संबंध आपके मधुर रहेंगे। बिजनेस में किसी महत्वपूर्ण फैसले के लिए आपकी सलाह महत्वपूर्ण रहेगी। कुछ टेंशन आपका बढ़ सकता है। कुछ लोगों से आपके मतभेद या वैचारिक दूरी बन सकती है। और उपाय के रूप में यदि आप चने की दाल का दान किसी भी मंदिर में करते हैं तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। तो मित्रों, यह 12 राशि का दैनिक राशिफल एवं उनको करने वाले उपाय हमने आपको बताए हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त होती रहे। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण। सादर धन्यवाद।